माँ कात्यायनी का वरदान। कभी भी किसी भ्रम में पड़ जाओ तो मुझे स्मरण करना। हे माता कात्यायनी, मुझे इस भ्रम की माया से निकाल दीजिए। करो आक्रमण। पिताश्री भी गदा युद्ध अभ्यास में बचा बचा कर प्रहार करते हैं, कहीं ये मंगलदेव तो नहीं? कहीं ये सत्य में मंगलदेव तो नहीं? तुमसे नहीं हो रहा है ना, तो मैं कर देता हूं इस नानी का अंत। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
सखा। धन्यवाद सखा। मंगलदेव। हे मंगलवार को जन्मे मंगल मूर्ति हनुमान, मुझे मुक्त कराने के लिए धन्यवाद। अब शीघ्र ही जाकर अन्य ग्रहों की दिशा भी ठीक कीजिए। पूर्णिमा से पहले अगर सभी ग्रहों की दिशा ठीक ना हुई तो इस संसार को महाप्रलय से कोई नहीं बचा पाएगा। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। आज्ञा दे मंगलदेव। प्रणाम। ध्यान रहे पुत्र। आसुरी शक्तियां बाधाएं डालेंगी, तुम्हें भटकाएंगी, किंतु तुम्हें अपने लक्ष्य पे अडिग रहना है। अब यहां से सीधे जाकर शनि देव को मुक्त कराओ। तुम्हारी विजय हो पुत्र। लगता है प्रलय हो ही जाएगी। मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा। न जाने ग्रहों की स्थिति अब ठीक हो भी पाएगी या नहीं। प्रणाम देवराज। प्रणाम चंद्रदेव। प्रणाम महारानी। क्या स्थिति है ग्रह मंडल की? देवराज, कोई भी देवता कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपकी भांति सब विवश हैं, किंतु छोटा सा वानर बालक अंजनेय हनुमान सब देवों से बढ़कर महादेव के समान कार्य कर रहे हैं। हम ग्रहों को मुक्ति दिला रहे हैं। हाँ चंद्रदेव, हनुमान के तो हम सदा आभारी रहेंगे, किंतु अब वो शनि देव को मुक्त कराने के लिए शनि लोग गए हैं और वहां शनि देव के विपरीत प्रभाव के कारण कठिन परिस्थितियों में फंस गए हैं। शनि लोक, वहां तो सबकी गति अवरुद्ध हो जाती है, बुद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाने के कारण हनुमान कैसे अपनी वरदानी शक्तियों का प्रयोग कर पाएगा वहां? मेरी गति अपने आप कम कैसे हो गई? ये क्या हो रहा है? मैं गति बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ किंतु गति और कम हो रही है। मेरी ऐसी ही गति रही तो पूर्णिमा के पूर्ण सबको मुक्ति दिलाना असंभव हो जाएगा। लंकेश रावण की भेजी हुई राक्षसी हूँ, यही मेरी सच्चाई है। माँ माँ मत कहो मुझे, मेरी अंजना कहाँ है? क्या किया है तुमने उसके साथ? मैंने अंजना का कोई अहित नहीं किया है। मुझे तो लंकेश ने हनुमान का अहित करने के लिए भेजा था, लेकिन हनुमान ने मुझे माँ बोलकर मेरा हृदय बदल दिया।
आपकी पुत्री अंजना स्वर्ग में है। जा, तू भी वानरी हो जाएगी। तू शोक न कर पुत्री, तुम्हें भगवान महादेव के अंश को जन्म देना होगा। उसके कुछ काल पश्चात तुम्हें अपना अप्सरा रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा। मैंने हनुमान को वचन दिया है कि जब तक वो सभी ग्रहों की स्थिति सुधार कर अपनी माँ अंजना को लेकर वापस नहीं लौटता, तब तक मैं सुमेरु में रहकर सबकी देखभाल करूंगी। यदि मैं चली जाती तो आप सब विचलित हो जाते कि महारानी अंजना कहाँ गई। ना आप यज्ञ कर पाती और ना ही कोई और कार्य। तुम तो मायावी राक्षस हो, मैं तुम्हारी बातों का कैसे विश्वास करूं? जो सत्य था मैंने आपको बता दिया। आप चाहें तो इस भेद को भेद ही रहने दें, या फिर मेरी सच्चाई बताकर सबको विचलित कर दें। मेरे भाग्य में जो लिखा है वो तो मैं भुगतूंगी। सुनो हनुमान, ध्यान से सुनो। शनि लोक में सबकी गति और मति दोनों मंद पड़ जाती हैं। तुम्हारी तीव्रता, तुम्हारी वरदानी शक्तियां यहां काम नहीं आएंगी हनुमान। प्रसन्न मत हो शनिदेव, ये वानर यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। शिथिल कर दो इसे। मुझ पाषाणासुर का आदेश लंकेश का आदेश है। तुम्हारी टेढ़ी दृष्टि जगत में कुख्यात है अपने दुष्प्रभाव के लिए। इस वानर पर अपनी शनि दशा का प्रभाव डालो। सोच विचार मत करो शनिदेव, मेरे आदेश का पालन करो। दशा बिगाड़ दो इस वानर की। प्रभु, शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि से देव, दानव, मानव कोई नहीं बच सकता। फिर रावण और उसकी लंका कैसे बचे रहे? शनिदेव क्यों सहजी लंकेश के बंधन में बंध गए? प्रिय, रावण ब्रह्मदेव और महादेव के वरदानों से रक्षित है, जिनके अनुसार उसे कोई भी देवता परास्त नहीं कर सकता। समस्त ग्रहों के अधिष्ठाता भी देवता है, इसीलिए उन वरदानों का सम्मान रखते हुए शनि देव सहित सभी ग्रहों को उसकी अधीनता
स्वीकार करनी पड़ी। अब भाग्य की विडंबना देखिए, अपनी शनि दशा के प्रभाव से सबकी परीक्षा लेने वाले शनि देव को अब स्वयं भी अपने धैर्य की परीक्षा देनी पड़ रही है। शनि देव, जो मैंने कहा है वो करो। नहीं, रावण के कहने पर मैंने अपनी स्थिति परिवर्तित कर, किंतु हनुमान पर अपनी शनि की दशा का प्रभाव नहीं डाल सकता। यदि ये प्रभाव एक बार पड़ गया तो फिर मैं उसे वापस नहीं लौटा सकता। शनिदेव, तुम मात्र मेरे आदेश का पालन करो, अपना प्रभाव डालो। शनिदेव को समझ नहीं पाया है ये राक्षस, इसे बताना ही पड़ेगा शनिदेव क्या है। शनि दशा का प्रभाव डालना है ना, लो ये है शनि दशा का प्रभाव। पद्मासनः पद्मकरः पद्मगर्भः समद्युतिः सप्ताश्वः सप्तरज्जुश्च द्विभुजः स्यात् सदा रविः। श्वेतः श्वेताम्बरधरः श्वेताश्वः श्वेतवाहनः गदापाणिर्द्विबाहुश्च कर्तव्यो वरदः शशी। रक्तमाल्याम्बरधरः शक्तिशूलगदाधरः चतुर्भुजः रक्तरोमावर्दः स्यात् धरासुतः। पीतमाल्याम्बरधरः कर्णिकारसमद्युतिः खड्गचर्मगदापाणिः सिंहस्तो वरदो बुधः। देवानां गुरुः तदुतपीतवर्णः चतुर्भुजः दण्डी च वरदः कार्यः साक्षिसूत्रकमण्डलुः। दैत्यानां गुरुः तदुतश्वेतवर्णः चतुर्भुजः दण्डी च वरदः कार्यः साक्षिसूत्रकमण्डलुः। मैं क्या करूं? इस राक्षसी पर विश्वास करूं या केसरी जी को सब बता दूं? यदि उन्हें पता चल गया तो। हे प्रभु, हनुमान को अपने कार्य में शीघ्र सफलता दीजिए, जिससे वो ग्रहों को मुक्त करा के शीघ्र लौट आए। ना जाने क्या हो रहा होगा मेरे सुमेरु में। मेरे स्वामी केसरी जी कैसे होंगे, हनुमान भी न जाने अभी कहाँ होगा। अब तो ये वानर शनि के प्रभाव से हिल भी नहीं सकेगा। अब मेरे कंठ काष्ठ के एक ही वार से इसका नाश हो जाएगा।